हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्निवल ब्लॉग की एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। आज हम लोग आए हुए हैं फन मैजिका वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट बोकारो, जो कि स्थित है काशी झरिया में। और यहां का जो गूगल मैप का एड्रेस है दोस्तों, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वन टैप में यहां आ सके। किसी भी तरह का आपको दिक्कत ना हो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो सिंपली आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ की प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो मंडे टू फ्राइडे है 500, सैटरडे संडे 600 है दोस्तों। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट उसी में है, क्योंकि अभी यहाँ पे चल रहा है 50% का डिस्काउंट स्टूडेंट के लिए। सभी लोगों के लिए नहीं दोस्तों, जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ 250 रुपये, और सैटरडे संडे आते हैं तो आपको देना होगा 300 रुपये, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। इन जनरली इतना बढ़िया डिस्काउंट चलता नहीं है, और अभी इतना बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, तो आएँ फटाफट और इस वाटर पार्क का मज़ा लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है। गर्मी थोड़ा सा कम हो गया बट उमस ज़रा भी कम नहीं हुआ है, तो अभी ही सही वक्त है वाटर पार्क में आकर के एंजॉय करने का। क्योंकि यहाँ पे आपको अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, तो आप वाटर पार्क में जाकर के अलग अलग स्लाइड्स का बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हैं, वेव पूल का मज़ा ले सकते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं दोस्तों। तभी सारी चीज़ों को करेंगे, डिटेल्स में सबको जानेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है यहाँ पे कॉस्ट्यूम एंड लॉकर काउंटर। यहाँ पे आपको मेल के लिए 200 रुपीज़, फीमेल के लिए 200 रुपीज़ और लॉकर के लिए 200 रुपीज़ डिपॉजिट करना है। बाद में 150 150 सभी के लिए रिफंडेबल है, यानी एक्चुअली में आपको 50 रुपीज़ लगेगा चाहे आप कॉस्ट्यूम लें या फिर आप लॉकर लें। ये है काफ़ी अच्छा मेल वॉशरूम, जो कि काफ़ी साफ सफाई यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, हर थोड़ी देर में यहाँ पे वाइपर मारा जाता है ताकि पानी से कोई फिसले ना। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं मेल लॉकर एंड चेंजिंग रूम। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं पूरा डिटेल्स में। यहाँ पे आप शॉवर वगैरह भी ले सकते हैं, पूरा इंतजाम है यहाँ पे, किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। और ये है इस साइड का लॉकर एरिया, काफी बड़ा लॉकर एरिया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। ये है एक ओवरऑल व्यू, मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा रहा हूँ अंदर का, कि किस तरह से अंदर से आपको फन मैजिका वाटर पार्क दिखता है। और ये देखिए बहुत सारे स्लाइडिंग इस साइड में है, और ये जंगली फ्रेंड्स इस साइड में। देखिए बच्चे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। चलेंगे अभी पूरा डिटेल्स में, सारे स्लाइड्स का मजा लेंगे और एकदम डिटेल्स में आपको एक्सप्लोर करके सारा कुछ दिखाएंगे। वहाँ पे रेन डांस वाला भी चल रहा है दोस्तों। और अंदर में ही इस साइड में आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है, गार्डन जैसा एक आउटडोर सिटिंग एरिया है द लेमनअप रेस्टोरेंट का। और चलेंगे अभी अंदर भी, ये अंदर का रेस्टोरेंट है दोस्तों, अभी अंदर भी चलेंगे और अंदर चल के अंदर से बढ़िया से एक्सप्लोर करेंगे। ये है फीमेल का लॉकर एंड चेंजिंग रूम, साथ ही साथ इसमें वॉशरूम भी है। तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं अंदर में कि किस तरह से है लेडीज के लिए। तो ये आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका लॉकर एरिया जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये यहाँ पे वॉश मशीन वगैरह कुछ लगा हुआ है, और इस साइड में शावर एरिया है और चेंजिंग रूम भी है। एक शावर एरिया बगल साइड में भी है, मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे लॉकर्स हैं, और इस साइड भी आपका शावर एरिया एंड चेंजिंग रूम है, तो गर्ल्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। काफ़ी सेफ है, सेपरेट है, और हर चीज़ का अच्छे से यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और दोस्तों ये है देखिए बहुत सारे स्लाइड्स जो अभी चालू होगा जल्दी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको एकदम पास से चल के सारी चीज़ों को डिटेल्स में दिखाऊंगा, साथ ही साथ अगर मौका लगेगा तो इस पर स्लाइड करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए रेन डांस काफ़ी बढ़िया चल रहा है, एकदम खूब मज़ेदार, और बहुत ज़्यादा भी तेज़ धूप नहीं है, तो बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे में आपको। और इस साइड से देखिए दोस्तों, इस साइड से इधर चल रहा है मल्टी स्लाइड, इसमें आप अलग अलग तरह का स्लाइड्स का मजा ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं, अगर आपके साथ में छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अगर एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। उनके लिए भी एकदम छोटा सा यहाँ पे पूल एरिया है, उसमें वो इंजॉय कर सकते हैं बच्चे, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल जो कि 6 फीट डेप्थ है इसका, और लोग उसमें कितना एंजॉय कर रहे हैं, और काफी फन मजा आ रहा है। देखिए बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे आए हुए हैं जो कि गर्मियों का बढ़िया सा मजा ले रहे हैं पूरे फैमिली के साथ, पूरे बच्चों के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक अलग तरह का स्विमिंग पूल है दोस्तों, या जी हाँ बिल्कुल, ये स्विमिंग पूल है। आप इसमें नहा भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और उस तरह का बलून में आप बैठ के आराम से इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स में बहुत सारे लोगों को घूमना पसंद नहीं आता है, उनको बस पानी में डूब के आराम से एंजॉय करना है, तो उसके लिए ये स्विमिंग पूल बहुत बेस्ट रहेगा।
पुल के साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाता चलूं। पुल में जो डीजे बजता है ये डीजे साजन का डीजे है, आपको मैं पास से चल के दिखा रहा हूँ। और डीजे साजन का डीजे तो आप समझ रहे हैं वो डीजे कितना पावरफुल होता है। जैसा कि आप लोगों ने सभी देखा होगा कि हरिद्वार में डीजे साजन ने जाकर के क्या गजब तहलका मचाया, पूरे झारखंड वासियों को जो नाम रोशन करके आया है डीजे साजन भैया, उनका तो एकदम बात ही अलग है। गर्मियों को मजा लेना चाहते हैं सीधा सीधा वाटर पार्क आ जाइए। खास करके अभी जो कुमस वाला गर्मी चल रहा है दोस्तों, अगर इससे बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फन मैजिक का वाटर पार्क आए और मजा लें दोस्तों। यहाँ पे देखिए पुल कितना ब्लू ब्लू, पूरा एकदम ब्लू ब्लू टाइप का लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सारा एक्टिविटीज करने के बाद में बॉडी एकदम चूर चूर हो गया है, काफी थक चुके हैं और भूख बहुत कस के लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कुछ स्टार्टर ट्राई किया जाए और उसके बाद कुछ मेन कोर्स में मंगवाते हैं, देखते हैं क्या यहाँ का बेहतरीन स्टार्टर है, क्या यहाँ का बेहतरीन डिश है। तो सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ का रिव्यू देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी बहुत सारा वाटर एक्टिविटीज करने के बाद एकदम थक गए हैं और भूख बहुत कस के लगा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हम लोग वाटर पार्क के अंदर जो रेस्टोरेंट में आपको बताया था उसी रेस्टोरेंट के अंदर में है और अभी अपना फूड भी आ चुका है और काफ़ी डिफरेंट फूड है। इन जनरल हम लोग इस तरह का फूड ऑर्डर नहीं करते हैं, बट शहबाज बोला इसलिए काफ़ी डिफरेंट फूड मैंने अभी ऑर्डर किया है। ये चिकन बॉक्सर फ्राइड राइस है और ये है पनीर पसंदा। तो काफ़ी हटके ये प्रोडक्ट है, काफ़ी हटके ये फूड है। तो चलिए इन्जॉय करते हैं इस फूड को और आपको रिव्यू पहले सबसे पहले देते हैं कि यहाँ इस रेस्टोरेंट के अंदर का फूड का रिव्यू कैसा है, खाने में कैसा है। तो एक नॉर्मल फ्राइड राइस से काफ़ी हटके है और काफ़ी टेस्टी है। आपको फर्स्ट बाइट में ही पता चल जाएगा कि बॉक्सर फ्राइड राइस का नाम क्यों है, सच में एकदम बॉक्सर वाली फीलिंग देता है। और अभी ये ट्राई करते हैं ये आइटम क्या है, मैं तो नाम ही फर्स्ट टाइम ऐसे सुन रहा हूँ, पनीर पसंदा। तो इसको ट्राई करते हैं। दोस्तों एकदम क्रीमी आइटम है, मतलब एकदम सॉफ्ट, आपके आपके माउथ में आपके मुंह में जाते एकदम घुल जाएगा वैसा आइटम है और काफ़ी अच्छा आइटम है। अगर 10 में से अगर इसको रिव्यू करना होगा दोस्तों तो 10 में से मैं इसको 8 and 8.5 इसको देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा, दोनों काफ़ी अच्छा फूड है। अगर आप लोग आएँ तो ये दोनों आइटम जरूर से ट्राई करें, बहुत अच्छा यहाँ का फूड है। और अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने बिरयानी का रिव्यू दिया है और काफ़ी अच्छा फूड है। तो बहुत अच्छा फूड रहता है दोस्तों यहाँ का, प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन है। मैं इसके मेन्यू लगा दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके मेन्यू में है। दोस्तों फाइनली हमने बहुत अच्छा फूड इंजॉय कर लिया है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा, बट मेरे अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जो कस्टमर आए हुए हैं, यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है, उनको यहाँ का फूड कैसा लग रहा है, उनका क्या राय है इस जगह के बारे में। आइए बात करते हैं। हेलो सर, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, हम बोकारो सिटी सेंटर से आए हुए हैं। और आपको यहाँ पे सर फूड कैसा लग रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है इसके बारे में? फूड वाइज तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, और माहौल तो खैर उसके लिए बोलना नहीं है क्योंकि ये अच्छा नेचर से लग रहा है। वाटर पार्क के साथ आपको रेस्टोरेंट का मजा ले रहे हैं और साथ में एंजॉय कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपका सर? मेरा नाम उज्जवल सिंह हुआ, मैं बोकारो से ही। और आपका रिव्यू कैसा है सर यहाँ के फूड और यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए? बहुत बढ़िया, मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम है बट अच्छा लगा, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैं किसी को भी रिकमेंड करूँगा अगर फैमिली फ्रेंड्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हेलो मैम, तो आपको कैसा लग रहा है आपका फूड और यहाँ का एनवायरनमेंट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खाने में स्वादिष्ट है, सामने सीन बहुत अच्छा है और सुकून है।
सबसे अच्छी बात है सुकून है और यहाँ बैठ के आप बच्चों को देख सकते हैं, बाहर एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आपका मैम कैसा रिव्यू है यहाँ पे? बहुत ही अच्छी रिव्यू है। आप लोगों को रिकमेंड करते हैं यहाँ पे आने के लिए? बिल्कुल, आपने जब एंटर भी किया होगा इस रेस्टोरेंट में तो क्राउड से बिल्कुल हट के थोड़ा अंदर आके एक नेचर के बीच में ये सुकून आपको सिटी में नहीं मिलेगी, बीच सिटी में। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, मैं बताता चलूँ, ये एक नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं है, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में आके आपको काफ़ी डिफरेंट व्यू मिलने वाला है। मैं वो व्यू भी आपको दिखाता चलूँ। पहले इस साइड जुड़ते हैं थोड़ा भैया से और उनका राय जानते हैं। हेलो भैया। नमस्ते भाई। और कुछ अपने बारे में बताएं सर, आप कहाँ से हैं? नाम मेरा अभिनव, मैं बोकारो स्टील सिटी से ही हूँ और फैमिली के साथ बस एक आउटिंग के लिए और खाने के लिए हम लोग आए। तो आप यहाँ पे लोगों को आने के लिए रिकमेंड करते हैं, कैसा लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, रिकमेंड है। आप किसी को भी कह सकते हो कि आप बिल्कुल आओ, आराम से आओ, फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, बाहर का व्यू एंजॉय करो, खाने का स्वाद एंजॉय करो और एम्बियंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं एक व्यू कि क्यों यहाँ पे बैठ के आपको फूड खाते हुए आपको बाहर का नज़ारा कितना अच्छा दिखेगा। आप देख रहे हैं इस साइड के बच्चे लोग इतना ऊपर से स्लाइड्स पे स्लाइड कर रहे हैं, वाटर पार्क का मजा ले रहे हैं और आप यहाँ पे सिटिंग पे बैठ करके कुछ इस तरह से अपने फूड को भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देख सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली को खेलते हुए देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुकून से भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा लगता है। हाय, आई एम इशिका चौधरी। आप कहाँ से मैम? चास से। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बेसिकली फन मैजिक वाटर पार्क अभी बोकारो का फर्स्ट वाटर पार्क है और आप ये फर्स्ट टाइम आ रही हैं, पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हैं, यानी आपने यहाँ पे सारा एक्टिविटीज वगैरह सब किया हुआ है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह करके? बहुत अच्छा। और यहाँ का रेस्टोरेंट वगैरह आपने ट्राई किया? नहीं, यहाँ रेस्टोरेंट पहली बार आए हैं, बट वाटर पार्क। तो आप अगर यहाँ पे लोगों को आने के लिए रिकमेंड करते हैं, कैसा आपको लगा? हाँ, अच्छा है, फैमिली के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। हाँ। हेलो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी है एक फैमिली फन मैजिका वाटर पार्क में और जानते हैं इनका क्या नजरिया है, क्या इनको डिस्काउंट चाहिए और इस बाबू को चाहिए एक अच्छा सा डिस्काउंट। तो हमारे टीम से, फन मैजिका टीम से जो भी लोग देख रहे हैं वो इन बाबू की बात एकदम ध्यान से सुने। हेलो। हेलो, क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम फारिया है। और क्या आपका कंसर्न क्या है? मैं ये बोलना चाह रही हूँ ना कि मुझे वाटर पार्क बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे एज के बच्चे को तो ये बहुत पसंद आएगा, बट इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग अगर 50% ऑफर चाहते हैं तो कैसे मिलेगा वो? वो मैं आपको एकदम डिटेल्स में डिस्क्राइब कर देता हूँ, क्योंकि आपके ऐसे बहुत सारे बच्चे स्कूल में, कॉलेज में जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो जानना चाहते हैं कि उनको 50% डिस्काउंट कैसे मिलेगा। जैसे आपने अभी आप स्कूल में हैं कि कॉलेज में हैं? स्कूल में हैं। तो जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उस सबका एक आईडी कार्ड होता है, आपको सिंपली एक आईडी कार्ड लेकर के आना है। इस तरह का आपको कूपन मिलेगा, इस कूपन में 50% देख रहे हैं डिस्काउंट, जस्ट आपको अपना एक आईडी कार्ड लेकर के आना है और ऐसा कूपन कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 50% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं 50% का। अगर आप मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो 500 रुपये का जो टिकट प्राइस है वो आपको लगेगा सिर्फ 250 रुपया। सैटरडे संडे यानी वीकेंड पे अगर आप आते हैं तो जो 600 रुपये का टिकट प्राइस है वो आपको लगेगा 300 रुपया, चाहे आप एक लोग आएँ, चाहे आप 4 लोग आएँ, चाहे 10 लोग आएँ, तो उस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो एज ग्रुप का है थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का मैनेज हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकता है। और जी जी, तो अभी ये तो बाबू का जो कंसर्न था ये हम क्लियर कर चुके हैं और अब जी बिल्कुल एकदम अकेले नहीं आई हैं। और अभी मैम का क्या कंसर्न है उस पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। और इस तरह से बहुत सारे फैमिली और बहुत सारे व्यूवर्स को फ़ायदा पहुँचेगा और ख़ास करके जो यहाँ के टीम है उनको भी एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि किस तरह का उनको स्कीम लाना चाहिए। तो मैम आपका किस तरह का कंसर्न है, आप क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा बताएं इस बारे में? नहीं, बस यही है कि अब बच्चों को 50% है तो बच्चों के साथ तो पेरेंट्स हैं, घर में गार्जियन है, सबको लेकर आएंगे ना, तो सिर्फ अगर बच्चा का ही 50% रहेगा, पेरेंट्स का नहीं रहेगा तो हम लोग तो सोचेंगे ना पेरेंट्स कैसे बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है, अगर बच्चे अकेले तो आ नहीं सकते हैं, खास करके कॉलेज वाले तो आ भी जाएं, अगर स्कूल वाले बच्चे हैं, बहुत छोटी बच्ची है ये तो अकेले आएगी नहीं, तो फैमिली साथ में आएगी, तो उसके लिए क्या टीम, क्या प्लान है, क्या ऑफर, जो भी बढ़िया से बढ़िया फन मैजिका की टीम प्रोवाइड कर पाएँ जल्द से जल्द, तो बहुत अच्छी बात है। और मैम आपका क्या कंसर्न है? वही आपसे कहना चाह रहे थे ना कि औरतें सब आना चाहती हैं, जैसे आप कह रहे थे अभी के औरतें काम काज को एक तरफ रख कर घूमने आए, वो आना चाहती हैं, बस मर्द प्लीज आप लोग सारी। तो दोस्तों जितना भी, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है सारे हस्बैंड से
कि अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को टाइम दे और सबको वाटर पार्क लेके जाओ यार जल्दी से जल्दी। ये मेरा यूट्यूबर भाई खुद अपने वाइफ को नहीं लेके जाता है, दूसरे को क्या करें हम। यही बात है ना, यही बात है। चलो तो दोस्तों इस तरह का ओवरऑल एक मैं आपके लिए जल्द ही कोशिश करूंगा कि यहाँ के मैनेजमेंट टीम से मिल करके और कुछ अच्छा सा फैमिली प्लान, फैमिली पैकेज कुछ प्लान करूं यहाँ के टीम के साथ में, और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू मैम। मेरे पास स्टूडेंट वाला 10 कूपन है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ओवरऑल वीडियो, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं आपको यहाँ का एड्रेस वापस से मैं बता दूं कि ये है काशी झरिया बोकारो, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप गूगल मैप के थ्रू वन सिंगल टैप पे यहाँ आ सकें, किसी भी तरह आपको कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।